हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल पे। सो गाइस फाइनली वी आर फोकसिंग ऑन एम्स 2018 एग्जाम व्हिच इज द बिगेस्ट एग्जाम इन मेडिकल लाइन, और उसमें हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज, और असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नंबर वन, आपको हर सब्जेक्ट में से 20 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एम्स में, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में किया जा सकता है, 20 से 30 सेकंड में आप इसको कर सकते हो और अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और तीसरा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की मैं वीडियोस तो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, आपको एम्स 2018 के लिए एमसीक्यूज के वीडियोस चैप्टर वाइज बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन जो मैंने अभी चैप्टर लिया एस ब्लॉक, उसके ही मैं 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस में प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसको तुरंत सोल्व कर सको गाइस। जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से हमें अभी असर्शन रीजन के 10 अल्टीमेट क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि असर्शन रीजन में क्या तरीका होता है। देखिए यहां पर आपको टोटल 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, नंबर 1 असर्शन, नंबर 2 रीजन। एक को एसर्शन कहा जाता है, दूसरे को रीजन कहा जाता है। देखिए ये लेंथी से होते हैं इसलिए लोग बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं। देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन कब लगाना होता है, आपको फर्स्ट ऑप्शन तब लगाना होता है जब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, और रीजन जो है वो एसर्शन को क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो, तो नंबर 1 लगाइए। अगर एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो तो आपको 2 लगाना होता है। अगर एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन ही फॉल्स है तो आपको 3 लगाना है, और अगर एसर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है तो आपको 4th ऑप्शन लगाना होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रोफाइल का अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं। आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस चीज को अपने जूनियर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं एसर्शन को। एसर्शन क्या कहता है जरा चेक करिए, एल्कली मेटल्स इंपार्ट कलर टू द फ्लेम। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, इट्स ट्रू। अब ऐसा क्यों, सब फ्लेम टेस्ट देते हैं। अब जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसी वेवलेंथ का एनर्जी बाहर फेंकते हैं जो हमें कलर के फॉर्म में दिखाई देती है। सो ये सबको पता है एसर्शन, और क्या रीजन लिखा हुआ है एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है जरा चेक करो। तो एसर्शन तो ट्रू मिल गया, रीजन इज देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, तो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है विच इज ट्रू। तो ये भी ट्रू है और वो भी ट्रू है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा हो तो आंसर क्या लगाओगे, फर्स्ट, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एसर्शन क्या लिखा है, Na2SO4 इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल BSO4 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सच है। देखिए अब अगर आप इस तरफ जाए, देखिए टॉप टू बॉटम आए, तो आपके जो सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में घटने लगती है। इसलिए जो बैरियम सल्फेट है बेसिकली वो क्या है, इतना सॉल्युबल नहीं है। हालांकि ये ग्रुप नंबर 1 में आता है और ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, वी नो, लेकिन वही वाली कहानी, ग्रुप नंबर 1 में भी तो सोडियम ऊपर है और बैरियम ग्रुप नंबर 2 में बहुत नीचे है। बस अब आप खुद ही सोच लीजिए, यहाँ पर कंपेरिजन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट तो सोल्यूबल होता है लेकिन बैरियम सल्फेट सोल्यूबल नहीं होता, बिल्कुल सच है। अब बैरियम सल्फेट सोल्यूबल क्यों नहीं है जरा सोचो, अगर बैरियम सल्फेट सोल्यूबल नहीं है इसका मतलब बैरियम सल्फेट टूट नहीं पा रहा है, टूट नहीं पा रहा है इसका मतलब इसका लैटिस स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रेशन नहीं हो पा रहा है इसका। तो रीजन में यही लिखा है क्या, जरा चेक करो। देखिए लैटिस एनर्जी ऑफ BSO4 एक्सीड द हाइड्रेशन एनर्जी, वही लिखा हुआ है, इसका लैटिस स्ट्रॉन्ग है जो कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस को तोड़ ही नहीं पा रही है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो घेरते हैं तो उससे एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और वो इस लैटिस को तोड़ ही नहीं पा रही है, समझ पा रहे हैं आप, इसलिए वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है तो आंसर क्या लगाओगे यहां भी, फर्स्ट। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एसर्शन पढ़िए सबसे पहले। पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये सच है, आप जाके गूगल करिए, बुक में पढ़िए, बुक में भी लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स में हम लोग सीजियम और पोटेशियम को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि
ये बहुत ही आसानी से, अगर लाइट इस पे गिरेगा तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो रीजन में लिखा है क्या, जरा चेक करो, पोटेशियम एंड सीजियम इमिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ये देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, इसका एसर्शन भी ट्रू है, इसका रीजन भी ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या बनोगे, क्या करोगे, दैट इज फर्स्ट, क्योंकि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एसर्शन पढ़िए सबसे पहले, एसर्शन है बैरियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन इन ह्यूमन, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, देखिए बैरियम की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, दिखाई दे रहा है आपको, मालूम होगा इन आयंस की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, कौन से बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंदर इनके रोल होते हैं, लेकिन क्या बैरियम के रोल होता है? बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, बैरियम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये तो ट्रू हो गया, सो दिस इज ट्रू। चलिए अब इसका रीजन जो लिखा हुआ क्या सही है क्या, जरा चेक करो, देखिए बैरियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ये इटसेल्फ सही है? सबसे पहले चेक करो, हाँ बिल्कुल बैरियम तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, बट आप ये सोचो क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, क्या ये कोई रीजन है कि वो बायोलॉजिकल में इस्तेमाल नहीं होता, फंक्शनिंग में इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, तो जरा चेक करो, एसर्शन अपने आप में ट्रू है, रीजन अपने आप में ट्रू है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या लगाओगे आप, सेकंड, तो इसका एक्चुअल में आंसर सेकंड आएगा, और आपने सेकंड लगाया तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है, ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नाउ एसर्शन पढ़िए फिफ्थ क्वेश्चन का, कहता है मैग्नीशियम डज नॉट गिव कलर फ्लेम, देखिए यहां पर नॉलेज मिलती है आपको, ये ट्रू है, इट्स ट्रू, मैग्नीशियम आपको फ्लेम टेस्ट नहीं देते दिखाई देगा, ये सच है, मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता, कोई कलर नहीं आता मैग्नीशियम के अंदर, तो ये तो ट्रू हो गया। अब नीचे वाले रीजन में पढ़ो, चलो ये तो ट्रू मिल गया आपको, क्या रीजन ट्रू है, मैग्नीशियम इज स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल, ये भी ट्रू है। अब कई बच्चे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल हो गया, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जब आप ग्रुप नंबर टू लिखते हो तो लिखते हो बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम लिखते हो, ठीक है, पेटा मांगे कार सेंट्रो, उसके बाद क्या लिखते हो बाप, ऐसा सा लैंग्वेज आपको याद करवाया होगा तो मैंने वही लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखते हो रेडियो, हमें पता है ऊपर से नीचे आते हो साइज बढ़ता है, तो इस हिसाब से तो बेरिलियम होना चाहिए स्मॉलेस्ट। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप जरा गूगल करिए, यहां पर जो बेरिलियम है उसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल नहीं करते, एक्सेप्ट बेरिलियम, एनसीईआरटी में भी मेंशनड है, एक्सेप्ट बेरिलियम, नीचे वाले सभी जितने भी आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग एल्कली अर्थ क्रस्ट मेटल कहते हैं, तो इसका मतलब एल्कली अर्थ क्रस्ट मेटल में सबसे छोटा कौन हो गया, मैग्नीशियम। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका मतलब जरा चेक करो, रीजन भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है, सो फाइनली रीजन भी आपका ट्रू है, तो एसर्शन आपका ट्रू है, रीजन आपका ट्रू है, लेकिन क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेकंड। सो फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेकंड, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब जरा चेक करो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, तो फटाफट से सबसे पहले एसर्शन को पढ़ो, तो एसर्शन क्या कहता है जरा चेक करो, एसर्शन कहता है K2CO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वेंस प्रोसेस, क्या K2CO3 जिसको पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या आप सोल्वे प्रोसेस से उसको बना सकते हो? यही फॉल्स हो गया, नहीं बनता है, सोल्वे प्रोसेस से क्या बनाते हो, सोडियम कार्बोनेट बनाते हो, तो यही फॉल्स हो गया, खत्म। तो रीजन पढ़ो, पोटेशियम कार्बोनेट डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर, यही तो कमी है जिसकी वजह से वो बनता नहीं है, तो ये डिजोल्व हो जाता है इसलिए उसको अलग करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। दोनों जब फॉल्स है तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, फोर्थ, ऊपर वाला भी फॉल्स है, नीचे वाला भी फॉल्स है, Easily आंसर बन गया इसका चार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन में assertion को पढ़िए, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म हाइड्रेटेड सल्फेट्स, क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल सच है, आप जरा चेक करिए, मैग्नीशियम में 7H2O होता है, ठीक है, इसके सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट में भी यानी कि CaSO4 में भी क्या होता है, .XH2O लिखा होता है, इसका मतलब है हाइड्रेटेड सल्फेट बनाते हैं, ये बिल्कुल सच है, ठीक है, तो अब ये तो हमें सच मिल गया, चलो ये तो ट्रू है। अब नीचे वाला चेक करो, रीजन में क्या लिखा है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 11, तो क्या ग्रुप नंबर 11 वाले हाइड्रेट बनाते हैं, कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन सॉरी ये 11 नहीं है, ये सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, सो ग्रुप सेकंड, ये सेकंड है, ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता हूं, तो ये भी ट्रू है, लेकिन अब जरा चेक करो क्या रीजन जो लिखा हुआ है एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या। दोबारा पढ़ देता हूं, ऊपर वाला तो ट्रू है, दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन
नीचे वाला रीजन देखो, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर सेकंड, ये सच तो है, लेकिन क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, तो आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर बनेगा सेकंड। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहाँ पर एसर्शन को चेक करो, लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड बोथ आर लेस सोल्यूबल इन वॉटर, क्या ये सच है? हाँ ये बिल्कुल सच है, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। अच्छा अब ये सच क्यों है उसको जरा सोचो, इनका साइज बहुत छोटा होता है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। सीजियम आयोडाइड में तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ही कम कम होती है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसका साइज बहुत छोटा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसका साइज बहुत बड़ा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ही कम होती है, इसका रीजन है जिसकी वजह से वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। तो क्या रीजन में लिखा है? बिल्कुल लिखा है, नीचे देखिए, लिथियम फ्लोराइड हैज हाई लैटिस एनर्जी, और नीचे साथ में क्या लिखा हुआ है, सीजियम आयोडाइड पोजेसेस स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी, यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, फर्स्ट, सिंपल। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एल्कली मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या लिखता है, एल्कली मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नहीं यही फॉल्स हो गया, मोर रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी पीरियड के अंदर घटने लगती है, तो ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ही ग्रुप में वन के मेटल्स ही होते हैं। अच्छा रीजन में क्या लिखा, जब यही फॉल्स हो गया तो रीजन को पढ़ो सबसे पहले, कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल इज हायर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि जब हम पीरियड में इधर से जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज घटने लगता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ने लगते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, सो फाइनली रीजन भी फॉल्स है, एसर्शन भी फॉल्स है, आंसर क्या लगाओगे, आंसर इज फोर, ठीक है, चार आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एसर्शन को पढ़ो फटाफट से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन एल्कली मेटल्स, यस इज ट्रू, आपको बता देता हूं कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या होता है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी मेटल की बढ़ने लगती है, क्लियर, तो इट्स ट्रू, ये तो मालूम पड़ेगा कि हमें ट्रू है, ठीक है। अब रीजन पढ़ो, रीजन में क्या लिखा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन हैज स्मॉलर साइज, ये बिल्कुल सही है, रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने का, क्योंकि इनका साइज स्मॉलर होता है, एंड हैज हायर चार्ज इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल, यही है, बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए एल्कलाइन मेटल के ऊपर क्या होता है, प्लस टू चार्ज होता है, चार्ज ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी इनकी बढ़ जाती है, तो यहां पर रीजन जो लिखा हुआ है एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या लगाओगे, दोनों ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, तो यहां पर आंसर बनेगा फर्स्ट। तो ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस थे एस ब्लॉक से, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जीके की वीडियोस को मत देखना भूलिएगा, साथ ही साथ एसर्शन का ये चौथा वीडियो है, लगातार देखते रहो, आपके एम्स के एग्जाम को मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको चार छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन समय से मिल सके, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करो, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे डेफिनेटली हमारी टीम उतना ही ज्यादा एंथुजियास्टिकली आपके लिए क्वेश्चन को चूज करके डेली वीडियो अपलोड करती रही है, आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर दो वीडियोस डेली अपलोड कम से कम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक तो करिए, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है तो थम्स अप को प्रेस करना ना भूलिएगा, छोटा सा काम है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लास्ट कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को कमेंट में जरूर लिखना है कि आपने टोटल 10 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो सजेस्ट कर ही देंगे गाइस। सो चलिए थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।